So uh, now we will see what early childhood program can do for our children and how does it matter? It offers a key opportunity to break the cycle of gender discrimination, promote the rights of girls and boys, and advance gender equality. So jo early childhood program hai, wo focus karte hai, tamam concepts pe, cognitive abilities ko develop karna hai, social, emotional. पोटेंशल्स uh, को डेवलप करना है और इसमें जेंडर आइडेंटिटीज़ को रिजॉल्व करना भी शामिल है सो so ये बहुत असर डाल सकते हैं आने वाली जिंदगी में तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो बच्चियों को ये बताते हैं और बच्चों को कि भाई अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल सलाहियतें देकर पैदा किया है आप कुछ भी कर सकते हैं जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी है जो आपको अच्छा लगता है जो आप कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश करें सो जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव

मुख्तलिफ कॉगनेटिव इक्विपमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप होगा उनको देखेंगे इंटरेक्ट करेंगे एक्सपोजर होगा तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बचपन से ही रिजॉल्व हो जाएंगी एक तो ये कि उनको फ्रीडम ऑफ थॉट मिलेगी उनको लगेगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं और जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उन, उनके अंदर सलाहियतें पैदा की हैं उनको वो बाहर ला सकते हैं और उनका इजहार कर सकते हैं फिर जो इंटरेक्शन है वो आपका कैथारसिस होता है बच्चे जो कुछ सोचते हैं जो इमेजिन करते हैं जो वो अपने और अपने घर वालों के बारे में बताना चाहते हैं जब वो सुना जाएगा तो उनके अंदर सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और जो डिस्क्रिमिनेशन पे ख़ास तौर पे जब हम बात करेंगे कि बच्चे और बच्चियाँ सब अपने अपने फरज़ अदा कर सकते हैं कोई उनमें से कम तर नहीं है सब बराबर के हैं और सब के लिए सब रिसोर्स या सब अपॉरचुनिटीज़ हैं तो यकीन इसके अच्छे नतज निकलेंगे अब देखिए, इट ऑफर्स की अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक दिस अनजस्ट इंटर जेनरेशनल साइकिल एंड टू एडवांस चिल्ड्रन राइट्स एंड इक्वालिटी फॉर गर्ल्स एक तो ये कि जब हम उनका ये फर्क दूर कर देंगे कि बच्चे और बच्ची में इस तरह का कोई फर्क नहीं है कि कोई क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता और वो एक साथ मिलकर सीखेंगे तो हम शुरू से ही उनको इंसाफ की बराबरी की और अहमियत का दर्श देंगे तो वह मुआरे में देखिए हम जिस बर्तन में जो चीज़ डालते हैं उसमें से वही निकलता है आज उनकी तरबियत अगर इंसाफ पे मबनी होगी बराबरी पे मबनी होगी तो कल आने वाले जो मुआरा होगा उसमें भी वो एक मुनसिफ इंसान बनेंगे और अपनी सलाहियतों का एतराफ़ ख़ुद भी कर सकते होंगे और लोगों से भी वो करवा सकते होंगे तो अर्ली चाइल्डहुड के जितने भी प्रोग्राम हैं वो ख़ास तौर पर इन सारी चीज़ों को फोकस करते हैं जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खास तौर पे क्योंकि ये जैसे मैंने अर्ज किया इस ट्रेंड्स एंड इश्यूज के कोर्स में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अब दुनिया में ये ट्रेंड भी है और ये ट्रेंड हमेशा किस चीज़ के अगेंस्ट आते हैं इश्यूज के अगेंस्ट आते हैं मतलब अगर आप कुछ चीज़ महसूस करते हैं कि वो ठीक नहीं हो रही तो उसको क्रिटिकली देखा जाता है उस पर रिसर्च की जाती है और फिर एक नया काम शुरू किया जाता है जो फिर ट्रेंड कहलाता है तो हम ये देखते हैं कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन पे पहले काम नहीं हुआ खास तौर पे प्री एजुकेशन में समझा जाता है कि यहाँ बच्चों बच्चियों को अलग से कुछ बताने की क्या ज़रूरत है और आने वाले दिनों में इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है लेकिन अब चूंकि ये इश्यू आइडेंटिफाई हो चुका है कि अर्ली चाइल्डहुड ही पूरा इंसान बनाने में मददगार है तो हम ये सारे डिफरेंसेस अभी से मिटिगेट करेंगे जब बच्चा शुरू में हमारे पास आएगा